हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज आर के मौर्या। वेलकम यू ऑल टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। तो अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो आपको मैथ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग कक्षा 6, 7, 8 यानी कि 6, 7 और 8 में पढ़े होंगे, उसके बाद हम उसी को रिवाइज कराते हैं आज। तत्पश्चात हम आपको आपके सिलेबस के अनुसार मैथमेटिक्स को कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कांस्टेंट नंबर्स के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होता है, फिर हम वेरिएबल्स पे चर्चा करेंगे, फिर कांस्टेंट को कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर होता है कांस्टेंट नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं अचर संख्या। अचर, चर का मतलब होता है विचरण करना। तो अचर यानी कि ऐसी संख्याएं जो लगातार निश्चित बनी रहती हैं, इनका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। तो गिनती वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब अचर संख्याएं होती हैं। गिनी जाने वाली संख्याओं को अचर संख्या, अचर यानी कि कांस्टेंट। संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 etc। तो ये जितनी भी संख्याएं हम लोग गिन सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 50, 100, वे सभी क्या कहलाएंगी, कांस्टेंट नंबर यानी कि अचर संख्याएं कहलाएंगी। इसके बाद चर्चा होती है चर संख्याओं की, वेरिएबल्स की। तो चर संख्याएं हम देखते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स नंबर। तो वेरिएबल नंबर्स क्या क्या होते हैं, तो ऐसे नंबर्स, नंबर्स क्या कहें या ऐसी राशि बोलते हैं, इनको क्वांटिटीज बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज जो लगातार अपने मान को परिवर्तित करते रहते हैं, यानी एक एक इनका निश्चित वैल्यू नहीं होता है। वेरिएबल्स हिंदी में इसको बोलते हैं चर संख्याएं, यानी लगातार ये विचरित होती रहती हैं, बदलती रहते हैं अपने मान को। तो अंग्रेजी के अक्षर जो होते हैं, अंग्रेजी के अक्षर जैसे ABC, XYZ, ये सभी संख्याएं जो होती हैं, ये सभी राशियां जो होती हैं वो अचर राशियां कहलाती हैं। ठीक, इनका मान निश्चित क्यों नहीं रहता, क्योंकि जब भी हम एलजेब्रिक इक्वेशंस लिखेंगे या एलजेब्रिक फंक्शंस लिखेंगे तो उसमें इनका वैल्यू जो होता है लगातार परिवर्तित होता रहता है। तो बीजी व्यंजक, जैसे कुछ हम बीजी व्यंजक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, यानी इसको बोलते हैं एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। जैसे हमने ले लिए AX+B, तो इसमें केवल वेरिएबल्स हैं। ठीक, अगर हमने इसी को ले लिया 9X+6, तो यहाँ से वैल्यू निकाला जाए, अगर x की वैल्यू निकाला जाए तो क्या मिलेगा हमें, इसको जीरो करके निकाला जाए x की वैल्यू, तो इसको हम इधर भेजेंगे, -6/9 हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -2/3। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल रही है -2/3। अगर दूसरा कोई एक्सप्रेशन ले लिया जाए, जैसे 2x+4=0, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, x=-4/2 यानी कि -2। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई। तो अलग अलग वेरिएबल्स का मान जो होता है, अलग अलग बीजी एक्सप्रेशन जो होते हैं, बीजी व्यंजक होते हैं, उसके लिए अलग अलग मान इनका आता है, इसलिए इसको वेरिएबल्स यानी कि चर संख्याएं कहते हैं।
चर संख्याओं का उपयोग क्यों किया जाता है? चर संख्याओं का उपयोग हम कांस्टेंट को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो गया, तो यहाँ से हम सॉल्यूशन प्राप्त करते हैं, तो हमें ये क्या मिलते हैं? कांस्टेंट नंबर मिलते हैं। ठीक, अब आगे हम बात करने जा रहे हैं अलग अलग जो कांस्टेंट होते हैं उनके प्रकार के बारे में। तो नंबर्स आप पढ़े होंगे लगभग कक्षा 6, 7, 8 में, तो आप जानते होंगे कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो उनमें से एक टाइप है हमारा पहला नेचुरल नंबर। हिंदी में इसको बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत का मतलब आप लोग समझते होंगे कि प्रकृति में अपने आप से स्वतः से उत्पन्न। तो ऐसी नंबर्स का उपयोग हम प्रकृति में उपलब्ध जो संख्याएं होते हैं या जो वस्तुएं होती हैं उनको गिनने में यूज करते हैं। तो आप वस्तुओं को गिनने के लिए कैसे गिनती या कैसी संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं? तो वस्तु हमेशा क्या होता है, ना तो शून्य होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो नेचुरल संख्याएं जो होंगी वो ना तो शून्य होंगी और ना ही ऋणात्मक होंगी। तो नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होंगी, जब भी होंगी +1 से लेकर +1, +2 से लेते हुए ये अनंत तक जाएंगी, तो ये सभी नेचुरल नंबर्स कहलाएंगी। ठीक, इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा? वस्तुओं को गिनने में किया जाता है ना। तो वस्तुओं को प्राकृतिक रूप से गिनने के लिए प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर्स का यूज किया जाता है। ठीक, अब नेचुरल हो गया, उसके बाद देखते हैं अगर जीरो को भी जोड़ दिया जाए इसमें तो क्या हो जाएगा। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी ऐड कर लें, क्योंकि जीरो भी तो हमारी एक संख्या है, तब उसको क्या कहा जाएगा? तो उसको बोलते हैं हम होल नंबर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो अगर हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को भी ऐड कर लें तो वो सभी क्या हो जाएंगी? होल नंबर्स हो जाएंगी। ठीक, जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इनका मान भी जीरो से धनात्मक होता है। अब अगर ऋणात्मक को भी शामिल कर लिया जाए तब क्या होगा? तो अगला नंबर आता है इंटीजर्स। इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी? जीरो से धनात्मक और जीरो से ऋणात्मक दोनों तरफ जाने पर हमें पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स प्राप्त होंगी। जैसे -3 ले लिया गया, -2, -4, -1 और 0, 1, 2, 3, इधर भी इन्फिनिटी तक और इधर भी इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इनका वैल्यू होता है इंटीजर्स का। तो इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं, इसको और इसको। तो यहाँ पे अगर लिया जाए तो ये क्या है? शून्य पूर्णांक है, ये धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक,
तो पूर्णांक हमारे तीन प्रकार के हो जाएंगे। ऋणात्मक नंबर्स यानी निगेटिव नंबर्स को काउंट करने के लिए हम निगेटिव पूर्णांक यानी -1, -2, -3, -4, -5 से लेकर -∞ तक, और शून्य पूर्णांक जो बीच में होता है, और धनात्मक पूर्णांक जो धनात्मक दिशा में होता है। तो अगर हम इक्वल नंबर्स लें यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इक्वल अमाउंट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स और उनका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो इंटीजर। जीरो इंटीजर कैसे मिलेगा, जैसे हम इक्वल अमाउंट ले लें, टू को देखा जाए, टू का पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, टू का पॉजिटिव इंटीजर प्लस टू हो जाएगा, और टू का निगेटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, माइनस टू हो जाएगा। अगर दोनों का हम सम कर दें, दोनों का सम अगर किया जाए तो क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलेगा। तो इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड निगेटिव इंटीजर आफ्टर समेशन वी विल फाइंड द नंबर जीरो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये होल हो गया, इंटीजर्स हो गया और नेचुरल नंबर्स होंगे। इसके बाद हम रियल नंबर्स की बात करते हैं। अगर हम इसको, इसको और इसको सबको एक साथ ले लिया जाए और इसके बावजूद भी अनेक संख्याओं को ले लिया जाए, तो रियल नंबर से पहले हम देखते हैं परिमेय संख्याओं को। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर आपको पता है क्या होता है, बताइए। नहीं पता, पता तो होगा ही। देखिए रेशनल नंबर्स, रेशनल देखिए रेशियो से बना हुआ है, इसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं रेशियो या फ्रैक्शन इसको बोल सकते हैं। फ्रैक्शन यानी कि जिसको हम बांट सकें, एक वस्तु को कई भागों में अगर बांटा जाए तो उसको फ्रैक्शन या भिन्न बोला जाता है। तो उसी से रिलेटेड है हमारा परिमेय संख्या, ठीक। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जबकि कंडीशंस क्या होनी चाहिए, जबकि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। q जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि q अगर जीरो हो जाएगा तो उसकी वैल्यू जो होती है, जो ये रेशनल नंबर होती है, उसकी वैल्यू इन्फिनिटी को प्राप्त होती है। तो जब इन्फिनिटी हो जाएगा तो वह संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। जैसे हम p की वैल्यू क्या ले लें, p इक्वल टू 1 ले लें, q इक्वल टू 3 ले लें, तो रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, इससे रेशनल नंबर p by q के रूप में 1/3 हो जाएगा। q जीरो नहीं होना चाहिए, ये कंडीशंस रहती है रेशनल नंबर में। अगर इसकी वैल्यू 2 ले लिया जाए और इसकी वैल्यू 5 ले लिया जाए q की वैल्यू, तो p by q क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की रेशनल नंबर्स हैं, ठीक। इरेशनल नंबर्स जिनको p by q के रूप में हम डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो जैसे देख लेते हैं इरेशनल नंबर्स को भी। इरेशनल नंबर्स,